कारकर्दगी है हमारी बनाल पुलिस की, हम तो तहे दिल से इनके शुक्रगुजार हैं, SDPO साहब के, SHO साहब के, जिन्होंने 4-5 घंटे में इस चोरी को बरामद कर लिया और सामान भी बरामद कर लिया, जबकि मुलजिम भी पकड़ के सभी इस टाइम जेल के अंदर हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है हमारे दुकानदारों के लिए। पिछले दिनों भी चंद चोरियाँ हुई थी, शायद हमें उम्मीद है कि वो भी इन चोरों से बरामद कर ली जाएंगी। क्या कहना चाहिए? मंजूर अहमद वानी है, मैं बनियाल में दुकान शॉपकीपर और चिकन शॉप है हमारा। हमारा 15,000 रुपए चोरी हुआ है। हम बड़े मशहूर है पुलिस का, जिन्होंने 24 घंटों के अंदर अंदर हमारी जो चोरी हुई है चोर को बरामद किया है। अब तो पुलिस थाने में चोर जो है वो खुद ब खुद DSP साहब या SHO साहब। सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताऊंगा कि यह सिर्फ यहाँ पे चोरी नहीं हुई थी, ये 3-4 तारीख इंटरवेनिंग नाइट पहले काजीकुंड में इन लोगों ने चोरी की, वहाँ पे कुछ दुकानों को लूटा। उसके बाद ये 5-6 तारीख को रामबन पहुँचे, वहाँ पे 5-6 दुकानों को इन्होंने लूटा। उसके बाद ये बटोत चले गए, बटोत में भी इसी किस्म की वारदात उन्होंने की, और आखिर में ये 7-8 इंटरवीनिंग नाइट को यहाँ बहनाल पहुँचे और यहाँ पे इन्होंने ये वारदात सर अंजाम दी। हम पिछले एक हफ्ते से इनको इनकी मूवमेंट्स को मॉनिटर कर रहे थे, कोशिश में लगे हुए थे कि इन चोरों को पकड़ा जाए, लेकिन जब बानहाल में इन्होंने ये कार्रवाई की, हमें क्ल्यू मिला जिसमें यहाँ की जो हमारे SDPO साहब हैं, यहाँ के SHO साहब हैं, यहाँ के जो दीगर पुलिस के अफराद हैं, इन्होंने एक प्रोफेशनल तरीके से इस केस को सॉल्व किया और नतीजा आपके सामने है कि कल रात को हमने इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये एक बहुत बड़ा गैंग है, इसमें इनके कुछ और अफराद मतलूब हैं, वो जल्द ही हमारी गिरफ्त में आ जाएंगे। देखिए, ये चोर जो होता है ये एक कदम आगे चल के सोचता है, तो इसको गिरफ्त में लेने के लिए आज हम लगे हुए हैं। रामबन में 2-3 जगह रेड्स की गई, वहाँ हमें ये नहीं मिले, लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे जो दूसरा ग्रुप इनका है इनको हम गिरफ्तार करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा जो CCTV फुटेज बानहाल टाउन की भी थी, उस वक्त भी हमारी पुलिस बड़ी चाको चौबंद थी, किसी को ये शक न रहे कि पुलिस गश्त नहीं कर रही थी। देख सकते हैं कि हमारे जवान उस कड़कती सर्दी में भी चाको चौबंद थे, लेकिन होता यह है कि हमें हमेशा 100% अलर्टनेस शो करनी पड़ती है, लेकिन चोरों को सिर्फ एक चांस चाहिए चोरी करने का, तो वह उसी चांस में लगे रहते हैं, वो उनको कभी ना कभी मिल जाता है। लेकिन मैं पब्लिक को यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि यहाँ की पुलिस बहुत चुस्त है, अलर्ट है, आइंदा इस किस्म की वारदात ना हो, इस पे हम पूरी लगन के साथ मेहनत के साथ कोशिश करेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ रिकवरीज हमारे आपके लेफ्ट साइड, आप बाद में इनको कवर कीजिएगा, आपको लिस्ट भी दी जाएगी। इसमें कुछ कैश भी तकरीबन 33,000 के करीब रिकवर हुआ है, कुछ आइटम्स भी रिकवर हुई हैं, हमने डिस्प्ले किया हुआ है, लेकिन अभी तो शुरुआत है, अभी एक ही दिन हुआ है इस चोरी को क्रैक करने में। मुझे लगता है अगले एक हफ्ते में पूरी डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। देखिए, इसमें जो इनिशियल हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसमें 3 लोग इनके जो हैं मैन जो सरगना हैं, उसमें से फिलहाल एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी मैं नाम शेयर नहीं करूंगा क्योंकि अभी कुछ डिटेल्स हमें थोड़ा सीक्रेट रखनी पड़ेंगी। 2 जो इनके सरगना हैं उनकी तलाश जारी है, जब वो अरेस्ट होंगे आपके साथ वो डिटेल्स